हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज किस क्लास में क्लास 12 का प्रश्नावली 3.4 को सल्व करने से पहले मेरे दोस्त, हम लोग इसका उदाहरण को सल्व करेंगे। ठीक है, देखिए हमारा उदाहरण है एक्सरसाइज 3.4 का, कुछ उदाहरण है, इसको देख लेंगे और उसके बाद हम लोग इस प्रश्नावली को सल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम उदाहरण को सल्व कर लेंगे ना, बहुत ईजी हो जाएगा एक्सरसाइज। ओके, तो कहाँ से स्टार्ट होता है? कल तो हम लोग पिछले क्लास में सारा इसका कंसेप्ट था, थ्योरी था, फॉर्मूला था, जो भी था 3.4 का सभी चीज़ पढ़ चुके थे। अब हम इस वीडियो में आप लोग को उदाहरण सिखाने वाले हैं। ओके, हाँ तो देखिए उदाहरण नंबर 23 ले स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उदाहरण नंबर 23 है, उदाहरण नंबर 24 है, ठीक है, और उदाहरण नंबर 25 है। आप इस तीन क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, यदि आप इन तीन क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर आपका जो एक्सरसाइज है ना 3.4, ये बहुत इजी हो जाएगा। बस आप लोग को थोड़ा टाइम देना है, जल्दबाजी करिएगा ना तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे करिएगा ना तो आपको 100% सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। और हम इस वीडियो को बहुत ईजी तरीक़ा से बनाएंगे, धीरे धीरे करके बनाएंगे, ताकि हमारे सभी स्टूडेंट को समझ में आ सके। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 23 है, कह रहा है कि प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा अभ्यूह ए बराबर इतना का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। अब बोलिए, आपको तो प्रारंभिक संक्रिया समझाई नहीं है, तो यहाँ पर प्रारंभिक संक्रिया किसको बोलते हैं? देखो यहाँ पर एलिमेंट्री ऑफ ऑपरेशन कल पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक अभ्यूह का व्युत्क्रम, मतलब इसका ए इनवर्स निकालना है। आपको ए इनवर्स निकालने की प्रक्रिया समझाए थे पिछले क्लास में। ठीक है, नहीं भी समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, आपको हम अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, देखिए सारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्री ऑफ ऑपरेशन, जितना भी कंसेप्ट है, ठीक है, ये प्रारंभिक संक्रिया के रूपांतरण कहते हैं। ठीक है, और जो कंसेप्ट हम बताए थे वही कंसेप्ट रहेगा, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। इस चैप्टर का नाम ही है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या करना है? ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन चीड़फाड़ नहीं, मतलब कि ऑपरेशन मतलब संक्रियाएँ यहाँ होती है। ठीक है, वो हमारे हॉस्पिटल में जो होता है ऑपरेशन, वो नहीं, इसमें मैट्रिक्स का ऑपरेशन करेंगे हम लोग। ठीक है, और उसको करके उसका व्युत्क्रम मतलब इन्वर्स निकालना होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग द्वारा ज्ञात करना है, बात तो समझ में आएगा होगा। अब हम चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 23 है, इसको सॉल्व करके सिखाएंगे, और इसके बारे में तो डिटेल क्वेश्चन जब बताएंगे ना, बताते हुए चलेंगे, ताकि हमारा टाइम लग जाए, लेकिन हम लोग को 100% समझ में आना चाहिए। ओके, ये हम क्वेश्चन तो लिख चुके हैं पहले से ही, इसको समझिएगा अच्छे से। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको बताए थे, पहले रफ में हम बता लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, कि जब भी आपको ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स का व्युत्क्रम निकालना होगा, ए इनवर्स निकालना होगा, उससे पहले आपको कंडीशन कुछ देखना होता है। ठीक है, वो कंडीशन क्या है कि जब भी निकालेंगे तो पहला कंडीशन होता है कि हमारा ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स तब भी संभव होगा। ठीक है, ए इनवर्स तब भी संभव होगा जब हमारा ए सारणिक, इसका नाम है सारणिक यानी डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, ए सारणिक का जो मान होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका जो वैल्यू होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए, ये हो गया। और उसके बाद एक सूत्र लगाएंगे, सूत्र कौन सा? ए बराबर आई ए, ये सूत्र लगाएंगे और बनाते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे, और इसी कंसेप्ट पर हम लोग अभी ये क्वेश्चन भी कराने वाले हैं, और पूरा एक्सरसाइज 3.4 जो है ना, पूरा एक्सरसाइज इसी कंसेप्ट पर बनेगा ही बनेगा। आपको पहले ही थ्योरी में समझा चुके हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ भी आप लोग को हम समझाएंगे और कोशिश करेंगे। ओके, आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, सबसे पहले हम वही निकालेंगे, क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू। ठीक है, कैसे? तो ए है ना, ये आपको ए दिया है, इसको लिख लो 1 2 2 -1। ठीक है, इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो देखिए पहले इसको मल्टीप्ल करते हैं, पहले इसको मल्टीप्ल करते हैं, -1 को 1 से गुना कर देंगे। ठीक है, कोष्ट में अब बीच में लगा जाएगा माइनस, फिर इसको गुना करा देंगे, तिरछा तिरछी, 2 2 के 4, 2 × 2 लिख दो, पहले 2 × 2 -1 से 1 से करेंगे -1, और ये -2 2 के 4, ये कितना हो जाएगा -5। पहले बताइए आप इस बात को समझे कि नहीं समझे? आपसे हम क्या बोले थे कि ए इनवर्स तभी संभव होगा, यहाँ पर बताए ना अभी,
कि ए इनवर्स तभी संभव होगा जब इसका, जब मान निकालेंगे इसका, ये जीरो नहीं होना चाहिए। भले माइनस में आ जाए प्लस में आ जाए अलग बात है, लेकिन जीरो हो जाएगा तो समझे वो गलत है, नहीं बना पाएंगे। तो देखो हमारा जीरो नहीं है ना, तो हमारा ए इनवर्स संभव है। ओके, बात तो समझ में आ रहा होगा। अब देखिए मेरे दोस्त, अब हम क्या करेंगे, ये तो पता चल गया। अब एक बताया था कि सूत्र लगाते हैं, तो यहाँ पर पहले लिख लेंगे कि ए इनवर्स संभव है। क्यों ए इनवर्स संभव क्यों है, कोई बता सकता है? हमारा ए इनवर्स संभव इसलिए है कि जीरो नहीं आया। ठीक है, यदि जीरो आता हम लिखते ए इनवर्स संभव नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा अभी, ठीक है? और क्या करते हैं, कितने स्टूडेंटों के डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है उसको बनाना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, पहले आपको ये चेक करना होगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हम एक सूत्र लगाते हैं और उसी सूत्र के मदद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सूत्र से, सूत्र क्या है, ए बराबर आई ए। आपको पढ़ाया था ना थ्योरी में, ए बराबर आई ए। तो ए का मान क्या है, ए का मान आपको दिया है तो लिख लीजिए। ए का मान है 1 2 2 -1। ये जो हमारा चैप्टर है ना 3.4 एक्सरसाइज, बहुत कम बच्चे को समझ में आता है। आप लोग को हम धीरे धीरे करके, हाँ ये हो सकता है कि फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को 100% समझ में नहीं आएगा, सेकंड में भी नहीं आएगा, लेकिन थर्ड फोर्थ फाइव मतलब 5-6 क्वेश्चन कर लोगे ना अपने आप ही समझ में आ जाता है, टेंशन ना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आई, आई मतलब क्या, आई का वैल्यू जानते हैं ना, 1 0 0 1 होता है, वो पढ़ाए थ्योरी में। इनटू ए, ए का वैल्यू जानते हैं ना, ए का वैल्यू क्या दिया आपका, ए वाला। तो यहाँ पर हम ए का वैल्यू नहीं लिखते हैं, सिर्फ इसको काट दीजिए, ए का वैल्यू नहीं लिखते हैं, सिर्फ ए लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, अब कहिएगा सर क्यों, क्योंकि देखिए हमारा पहले से यहाँ पर ए का हम काम कर रहे हैं, तो फिर हमको यहाँ पर ए लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये नहीं कि आई ए होता है ना तो आई का मान लिख दिए और फिर इसमें ए का मान लिख देंगे, ऐसा नहीं, सिर्फ इस ए को लिखते हुए अब चलिए। बात समझ में आ गया, सिर्फ क्या करना है, इस ए को लिखते हुए चलना है हमेशा, यहाँ पर आई का ए का मान लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हमारा एक टारगेट यहाँ से मिलता है। टारगेट यह मिलता है कि यहाँ पर 1 2 2 -1 1 0 0 1, यहाँ पर जो है ना हमारा ए का मान, इसको क्या करना होता है ना, इसको आई बनाना होता है। आई कहने का मतलब, आई कहने का मतलब 1 0 0 1 के रूप में होना होता है। जब तक इसके जैसा नहीं आ जाएगा ये वाला, जब तक ये वाला जो है आपका इसके जैसा नहीं आ जाएगा, तब तक इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे, आगे बढ़ते हुए चलेंगे। बात समझ में आया, जो आपका ए है ना इसको तब तक सॉल्व करेंगे जब तक इसके जैसा ना आ जाए, समझ गए? जब तक इसको हल करेंगे, जब कब तक इसको हल करेंगे, जब तक इसके जैसा ना आ जाए। और एक साथ में बताए थे कि ए होता है हमारा रो और ए होता है कलन, तो आप रो में जब चल दिए तो पूरा जब तक एक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप रो में ही चलेंगे। अब मान लीजिए आप कलन में चल दिए तो जब तक एक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप कलन का ही काम करेंगे, मतलब किसी एक में काम करना होता है। रो में कर रहे हैं तो रो में, कलन में करेंगे तो कलन में। बात को समझिएगा, ठीक है? अरे अभी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ कुछ तो समझ में आ रहा होगा, 50% 60% ये थोड़ा ऐसा क्वेश्चन है ही, समझ गए? लेकिन आप लोग को आएगा, आ जाएगा तो फिर भूलिएगा नहीं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करिएगा, समझ में आएगा, टेंशन ना लीजिएगा। बात समझ में आया, तो हम देखिए पूरा क्वेश्चन रो के फॉर्म में कराएंगे, कितने टीचर कलन के रूप में कराते हैं। अब ऐसा नहीं कि कभी एक एक स्टेप रो में चल दिए, एक स्टेप कलन में, नहीं ऐसा नहीं करना है। हमारा टारगेट है कि इसको 1 0 0 1 बनाना है, तो हम चलेंगे सिर्फ रो में, आप कलन में भी चल सकते हो, लेकिन कलन का छोड़ो, हम रो में चलेंगे पूरा क्वेश्चन में, ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो, किसी एक में चलेंगे, तो आप लोग भी रो में ही करना। ठीक है, चलिए ऐसे कहेंगे तो कलन का भी दिखा देंगे, कलन से कैसे किया जाता है, तो जस्ट एक ही तरीका है, लेकिन क्या करें, दो तरीका करेंगे तो आप लोग कन्फ्यूज होंगे, जब आप लोग खुद ज्ञान हो जाएगा ना तो अपने आप चेंज कर सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो हम सिर्फ रो में चलेंगे। तो देखिए यहाँ से टारगेट स्टार्ट करते हैं, हमारा यहाँ पर 1 2 2 -1 है, 1 0 0 1 बनाना है, तो क्या कर दें कि ये बन जाए, इसमें भी करेंगे इसमें भी करेंगे, ये कुछ भी अलग चेंज हो जाएगा, भले ये कुछ भी हो जाए इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये हमारा टारगेट है कि 1 0 0 1 लाना है, इसके जैसा है लाना है, ये कुछ भी हो जाए इससे हमारा मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए तो देखिए ये है आपका R1 और ये है R2। हम क्या करते हैं ना कि R2 में, ठीक है, इस R2 में से माइनस कर देते हैं 2R1 के प्रयोग, लिख देंगे के प्रयोग,
प्रयोग। अब इस बात को समझिएगा क्या हम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए हमने क्या किया कि ये जो आर टू है ना, ये आर टू है, आर टू में से आर वन को घटा रहे हैं, लेकिन आर वन को नहीं, सिर्फ आर वन में दो से गुना करके, मतलब एक में दो से गुना करके घटाएंगे, दो में दो से गुना करके घटाएंगे। बात समझ गए? जो आपका आर टू है, मान लीजिए इसको हम काम कर रहे हैं, तो दो है, अब माइनस टू आर वन, तो आर वन में दो से गुना कर देंगे, दो आर वन का मान एक है ना, तो उसमें एक से गुना, यानी दो माइनस दो कितना जाएगा, जीरो। देखो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर एक दो, क्योंकि आर वन में कुछ नहीं कर रहे हैं ना, तो ज्यों का त्यों ही लिख देंगे, सिर्फ आर टू का काम कर रहे हैं। तो देखो हमारा क्या आ गया, जीरो आ गया। बात समझे? अब क्या करेंगे, इसमें भी करेंगे वही काम, ए आर टू है तो माइनस एक, और फिर माइनस दो आर वन, आर वन का मान दो है ना, तो गुना दो, वन माइनस दो यानी माइनस वन, माइनस चार हो जाएगा ना, माइनस 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 पाँच, ये देखो माइनस पाँच आ गया, ठीक है। अब बराबर इसमें भी वही काम करेंगे, आर वन का तो कोई काम कर नहीं रहे, तो ज्यों का त्यों लिख देंगे, आर टू में काम कर रहे हैं, आर टू हमारा ए है जीरो, तो रफ में जीरो लिख देंगे, माइनस टू आर वन, यानी आर वन जो है इसमें दो से गुना कर देंगे, तो दो गुना वन, तो जीरो माइनस टू कितना हो जाएगा, माइनस टू, फिर इसमें वन माइनस टू, आर वन का मान क्या है, जीरो ना, तो जीरो, तो वन माइनस जीरो क्या हो जाएगा, वन, हमारा इतना आ गया आई इन टू ए। आपको कुछ समझ में नहीं आया, आया कि नहीं आया, देखो एक बार फिर से, एक बार फिर से समझेंगे। हम क्या कर रहे थे, आर टू में से आर टू माइनस टू आर वन को घटा रहे थे, क्यों, क्योंकि टारगेट है कि 1001 के रूप में इसको ला देना है, अभी तो आया नहीं, तीन स्टेप चार स्टेप बढ़ेंगे अपने आप ही आ जाता है, टेंशन ना लीजिएगा, एक ही स्टेप में मत सोचिएगा कि एक ही स्टेप में इसको ला देना है, नहीं, चार स्टेप पाँच स्टेप छः स्टेप कभी 10 स्टेप भी जाता है, तो बहुत ईजी हो जाएगा, ईजी है, बस थोड़ा आप पहली बार में हम लोग का भी मिला था तो बहुत कठिन लग रहा था, लेकिन कठिन है नहीं, ठीक है। हम क्या करेंगे, आर टू में से हम क्या किए कि आर टू में से, आर टू में से टू आर वन घटा दिए, मतलब कि आपको बोले थे कि इसमें गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपको बताए थे थ्योरी में, ठीक है। तो क्या करें हम क्या किए कि आर टू में से आर टू माइनस टू आर वन कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ से देखो तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, जो सॉल्व किए हैं यहाँ पर आप लोग रफ में, पहली बार आप पढ़ रहे हैं ना, तो ऐसे रफ में आप लोग करते हुए चलिएगा ताकि समझ में आए हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या किए कि आर टू में से टू आर वन घटा रहे थे, तो आर टू पहले तो आर टू का बात कर रहे हैं, आर वन में तो कुछ कर नहीं रहे, तो आर वन ज्यों का त्यों ही लिख दिए, हम आर टू में देखेंगे, तो आर टू है टू, तो हमने लिखा टू, फिर है माइनस, तो माइनस टू, तो टू, आर वन का मान क्या है, एक है, तो हमने एक लिखा, उसको घटा दिया, इस तरह इसमें भी किए, इस तरह इसमें भी किए। अब देखिए अभी भी हमारा 1001 के रूप में नहीं आया, अब फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हमारा टारगेट है कि जीरो किस तरह आ जाना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर वन, तो हम क्या करते हैं ना, अब की बार हम कर देते हैं, यदि आर टू में, ठीक है, इस आर टू में, इस आर वन की बात नहीं कर रहे, सिर्फ आर टू की बात कर रहे हैं, अभी आर टू में क्या करते हैं कि -1/5 अगुना आर टू के प्रयोग, क्या कर दीजिए अब की बार जो हमारा आर टू है, -1/5 से भाग देती है, ठीक है, -1/5 से भाग दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो आर वन में तो कुछ कर नहीं रहे, तो उसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे, और जीरो में -1/5 से भाग देंगे तो क्या होगा, जीरो ही होगा। अब ये देखो -5 है ना, यहाँ पर जगह नहीं है तो यहीं पर कर लेते हैं, -5 है, अगुना -1/5 से भाग देना है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, पाँच पाँच कट गया, क्या हो जाएगा, एक, देखो एक आ गया, ठीक है। अब बराबर यहाँ पर आ जाओ, आर वन में कुछ कर नहीं रहे तो 1 0, अब ये देखो आर टू है ना, तो आर टू में हम क्या करेंगे, आर टू में हम -1/5 से गुना कर रहे थे, यहाँ पर आर टू का मान है -2 -2, -1/5, माइनस माइनस प्लस टू हो गया, अब बटा पाँच, ये कितना आ गया, 2/5 आ गया, ठीक है। अब देखो ये वन है, वन आर टू में वन है ना, तो वन में -1/5 से गुना करना है, तो 1 गुना -1/5, -1 से 1 से -1, और एक है नीचे 5, -1/5 हो गया, ठीक है। अब देखो बहुत ईजी है, बस आप लोगों को समझते हुए चलना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखना
अब यहाँ पर मेरा टारगेट है कि 1001 सभी जगह तो आ गया, लेकिन यहाँ पर अभी क्या लाना है हम लोग को, हम लोग को यदि यहाँ पर 0 आ जाएगा तो हमारा कंडीशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर दे कि यहाँ पर 0 आ जाए। ठीक है, तो क्या करते हैं ना कि यहाँ पर हमें R1 में से, ठीक है, R1 में से यदि -2R1 घटा देंगे तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आप सोचोगे कि आप कैसे समझ जा रहे हो। ठीक है, तो हम लोग का प्रैक्टिस हो गया है, इतना बार इस क्वेश्चन को हम लोग कर लिए ना कि हम लोग का प्रैक्टिस हो गया है। आपका भी पहली बार है, आप भी मतलब 5-6 क्वेश्चन करोगे ना तो मेरे जैसा ही आप लोग को भी प्रैक्टिस हो जाएगा और आप लोग को देखते ही पता चल जाएगा कैसे वो आएगा। ठीक है, तो पेशेंस रखो, पेशेंस रखना पड़ता है, एक ही बार में सारा चीज़ हम लोग नहीं सीख पाते हैं, धीरे धीरे करके सभी चीज़ सीख जाएंगे। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन करोगे आप लोग भी, मेरे जैसा पकड़ने की तरीका आप लोग को भी आ जाएगा। ओके, चलो देखो, तो ये R1 में से क्या कर रहे हैं, R1 में से 2R1, मतलब R1 में क्या कर रहे हैं, 2R1, चलो R1 में से 2R1 को प्रयोग कर रहे हैं, मतलब कि हम यहाँ पर R1 जो है इसमें से R1 के, यानी यहाँ पर करके दिखाते हैं, R1 का सिर्फ काम कर रहे हैं ना, तो R1 में क्या है 1 और -2 अगुना R1 का मान क्या है 1 ही है ना, तो 1 यानी 1 -2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ R2 होगा, सॉरी गलती हो गया है, यहाँ पर R2 होगा, गलती हो गया, R2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिख लो, 2 × 0, R2 का मान 0 है ना, तो 0, यहाँ भी 2 से 0 से 0, 1 में से 0 जाएगा 1, और यहाँ पर 2 है, R1 का मान 2 है और -2, और R2 का मान कितना है 1, तो 2 × 1, 2 - 2 कितना जाएगा 0, ये 0 आ गया। ठीक है, फिर ये तो R2 में हम कुछ कर नहीं रहे तो इसको ज्यों का त्यों ही लिख दिए बराबर। अब यहाँ पर आइए, ये R1 है, R1 में क्या करना है, -2R2 को घटाना है, तो 1 है ना, तो यहाँ पर 1 लिख लो, -2, R2 का मान है वो 2/5, 2/5 है ना, तो लिख लो 2/5 कितना जाएगा, सही है ना, गलत नहीं हो रहा है। देखो तो फिर से, 1 है R1 में 1 -2R2, 2/5, तो क्या हो जाएगा 1 - 4/5, इसको बटा पकड़ जोड़ घटाओ कर लो, 5 और 1 कैल्शियम 5 भाग देंगे, 5 बार में 5 से 5 -4 यानी 1/5 आ गया, ये आ गया 1/5। अरे देखो ये 0 है, 0 - 2, और R2 का मान है कितना, -1/5, माइनस माइनस प्लस यानी 2/5 आ गया, ये आ गया 2/5, और ये हो गया 2/5, और ये हो गया -1/5 × a। ठीक है, देखो हमारा ये टारगेट जो था आपसे बोले थे कि इसको जब तक 1001 के रूप में नहीं हो जाता है तब तक हम सॉल्व करते हुए चलेंगे, यहाँ भी नहीं हुआ था, यहाँ भी नहीं हुआ था, लेकिन हमारा तीसरा स्टेप में देखो यहाँ हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, तो जैसे ही हो गया तो समझ लो कि हमारा आंसर हो गया। आंसर कौन होता है, ए वाला होता है, क्यों, क्योंकि हमको निकालना था ए इनवर्स, तो ए इनवर्स कितना आ गया 1/5, 2/5, 2/5 -1/5 इतना आ गया। बात समझ में आया, यही हमारा जो होता है ए इनवर्स होता है। ओके, याद रहेगा ना कि क्या होता है, ए इनवर्स होता है, आंसर हमारा ए वाला होता है, भले टारगेट रहता है कि 1001 जब तक नहीं आएगा तब तक ये वाला नहीं आएगा, लेकिन जब जब ही आ जाएगा हमारा आंसर ए हो जाता है। अब आप कहोगे सर इस तरह का क्वेश्चन हम लोग क्यों बनाते हैं, देखिए आपको रियलिटी बताते हैं, आज रियलिटी यही है कि हम लोग जब क्लास 12 में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा एडवांस मैथ आता है, और जब IAS आप कर रहे हो ना तो समझ लो ना कि आप लोगों का माइंड बहुत डेवलप ज़्यादा हो जाता है, इस तरह का क्वेश्चन करोगे आप लोग को सोचने की क्षमता बढ़ेगा, कैसे कि कैसे इसमें से इसको करेंगे तो ए होगा, तो आप जब इस पर फोकस करोगे ना तो आपका माइंड जो होता है विकसित करता है, माइंड को रगड़ने से ही विकसित होता है, तो आप लोग यहाँ पर माइंड तो लगाइएगा, ये चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है माइंड विकसित करने के लिए, इसमें सोचने की क्षमता हम लोग का बहुत बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, हर चैप्टर को पढ़िएगा ना तो मतलब आगे चल करके और आपका माइंड ग्रोथ होगा, तो आगे के चैप्टर और इजी होगा। ठीक है, तो जो चैप्टर है हमारा, एक देखिए हमारा पार्ट 1 में एक 3.4 और एक 4.2, दो ऐसा चैप्टर है कि हम लोग को बहुत माइंड को विकसित करता है, तो इसलिए आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन जब भी आप सीख जाओगे ना कंसेप्ट इसके बारे में, 2-4 क्वेश्चन करने के बाद आप लोग को बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। कितने स्टूडेंट हमारे समझ गए पहले ही क्वेश्चन में,
यदि पहले ही क्वेश्चन आप लोग समझ गए हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आप लोग को हमें पता चले कि आप लोग को अच्छा लगता है। और जिनको लाइक नहीं करना आता है प्लीज़ वो डिसलाइक भी मार सकते हैं, ऐसे डिसलाइक मत मारिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद हो तो लाइक करिएगा, पसंद नहीं होगा तो लाइक मत करिएगा, ठीक है। आपका मन जो करना है करिए, अच्छा लगे तभी लाइक करिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आ गया क्यों नहीं आया बताइए, पहले आया ना? आया, बहुत ईजी है, ठीक है। बस हम लोग थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं, थोड़ा सा पहली बार में दिक्कत होता है, इसलिए हम लोग भी देखिए एक क्वेश्चन को 15 से 20 मिनट के अंदर हम लेकर जा रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आए अच्छे से, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन था हम लोग का, ये 23 नंबर, ये NCERT बुक में तो देखिए कितना जल्दी बना दिया है, लेकिन हम लोग का थोड़ा सा लॉन्ग है, लॉन्ग नहीं छोटा ही है, बट क्या है ना कि समझना हम लोग को जरूरी है। बुक में तो सारे बुक में सोल्यूशन मिल जाता है, लेकिन हम लोग को समझाने वाला कोई नहीं मिलता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझा चुके होंगे, ठीक है, आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए अभी तो पहले ही था क्वेश्चन, अभी बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करना है इस तरह का, ठीक है। अब चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या है कि प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा निम्नलिखित अभिव्यूह का व्युत्क्रम प्राप्त कीजिए। ये देखिए ये हमारा 2 बाई 2 का था, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है ये 3 बाई 3 वाला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे तो और हम लोग का थोड़ा समझ में ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। चलिए देखिए तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, चलिए देखिए तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये 3 बाई 3 वाला है। तो सबसे पहले आपको समझाए थे कि ए इनवर्स तभी संभव होता है जब हम डिटर्मिनेंट्स ए का मान निकालते हैं और उसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए इसको लिख लीजिए, 0 1 2 1 2 3 3 1 1। वो तो हमारा 2 बाई 2 वाला था और हम लोग इजी तरीका से उसको सॉल्व कर ले रहे थे, लेकिन ये हमारा 3 बाई 3 वाला था, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे डिटर्मिनेंट्स का मान निकालते हैं। तो देखिए अभी इसके बारे में आप लोगों को 4.2 में पढ़ना है, वहाँ पर बहुत अच्छे से 4.1 से ही, यानी 4 जो चैप्टर है इसी के बेस पर है, इसी का नाम डिटर्मिनेंट्स है और इसी के नाम पर हमारा 4 चैप्टर बना हुआ भी है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम 0 लेंगे, 0 लिए, ठीक है। तो एक ख़त्म और एक ख़त्म, मतलब जो लेते हैं ना उसके सामने वाला सब खत्म हो जाता है, अब बचता है ए वाला, 2 3 1 1, ठीक है। फिर प्लस के बाद आता है माइनस, फिर लेंगे हम इसको, तो ए लिए तो इसके सामने वाला सब खत्म और नीचे वाला भी सब खत्म, मतलब इसके सामने जो आएगा सब खत्म हो जाएगा, बचेगा 1 3, बचेगा 1 3 और 3 1 बचेगा। इसके बारे में भी हम लोग आप लोग को आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर हमारा 2 लेंगे, 2 लेंगे तो इसके सामने वाला सब खत्म, इसके सामने वाला सब खत्म, बचेगा ए वाला, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस के बाद प्लस, 2 लिए तो 1 खत्म 1 खत्म, बचेगा 1 2 3 1, इतना हो गया। अब हमें 0 लिए तो 1 से 2 से 2, माइनस 3 से 1 से 3, माइनस यहाँ पर क्या लिए थे, 1 ना लिखे, नहीं है सॉरी, यहाँ पर 1 जब लिए थे 1 खत्म 1 खत्म हुआ था और ये दोनों लिख लिए थे, यहाँ पर 1 पहले इसको मल्टीपल करते हैं 1 से और 1 से 1, और फिर इसको कर देंगे 9, फिर +2 पहले इसको मल्टीपल करेंगे 1, माइनस इसको मल्टीपल कर देंगे 3 दूना का 6, मतलब कि 0, 2 में से -3 जाएगा -1 या -1, 1 में से -9 जाएगा -8, +2 1 में से -6 हो जाएगा -5, ये 0 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 5 दूनी का 10 कितना जाएगा -2 आ गया, ठीक है। यानी हमारा जो है देखिए ये इसका कहने का मतलब है कि जो हमारा ये देखिए जो हमारा यहाँ पर -2 आ गया, ये हमारा ए इन्वर्स संभव है, क्यों, क्योंकि ए इक्वल टू यदि 0 हो जाता तो हमारा समझो कि ए इन्वर्स संभव नहीं है, ये तो 0 नहीं हुआ तो हमारा ए इन्वर्स संभव है, तो लिख देंगे ए इन्वर्स संभव है। अब ये तो पता चला कि संभव है, तो चलिए संभव है तो निकालिए,
थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, क्या करेंगे, सूत्र लगाते हैं। कौन सा सूत्र? सूत्र से कौन सा? वही एज इक्वल टू आई ए वाला। ए का वैल्यू पता है, ठीक है जी। आई का वैल्यू याद है, 10001 वाला याद है ना, 3x3 में। चलो पहले ए का वैल्यू लिख लो, 0 1 2 1 2 3 3 1 1, ये हो गया बराबर। आई का वैल्यू पता है ना, 3x3 में 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया इंटू ए। ए का वैल्यू पता है तो ए का वैल्यू तो हम लोग लिखते नहीं है, सिर्फ ए लिखते हुए चलेंगे। आपको पिछले क्वेश्चन में समझा दिए थे, ठीक है। कितने बच्चे ए लिख देते हैं, इसलिए हम लोग, आप लोग को गलती नहीं करना है, सिर्फ ए लिखना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हमको टारगेट है कि इसको 10001001 के रूप में इसको लाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि जो R1, R2, R3 है ना, तो R1 को, ठीक है, R1 और R2 को एक दूसरे में चेंज कर देते हैं। देखिए जो हमारा R1 है ना, R1 को R2 में चेंज कर देते हैं और R2 को R1 में। ये दोनों तरफ तीर का साइन करने का मतलब R1 चल जाएगा R2 में, R2 चल जाएगा R1 में। मतलब कि A वाला स्थान जो था यहाँ चल जाएगा और A वाला यहाँ आ जाएगा। चेंज करिए तो क्या हो जाएगा, R2 वाला R1 पर चल जाएगा, तो 1 2 3, और ये वाला यहाँ आ जाएगा 0 1 2। इसको तो कुछ कर किए नहीं R3 को, तो हमारा जीव कहते ही बेचारा रह जाएगा। इतना हो गया। यहाँ भी वही काम करेंगे, इसको यहाँ, इसको यहाँ, 0 1 0 1 0 0, तीसरा तो हमारा 0 0 1 ही रहेगा इंटू ए। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए, अब हमें देखते हैं, कभी तो आया नहीं है 1001 के रूप में। अब क्या करते हैं ना कि टारगेट जो हमारा है 10001001 लाना है, तो क्या करते हैं ना कि R3 को इसको, ठीक है, R3 को यदि हम इसमें R1 को R3 में, देखिए पता चल गया, R3 में माइनस R1 को घटाते हैं 3 से गुना करके, ठीक है। जो हमारा R3 है ना, R3 में माइनस कर देते हैं R1 में 3 से गुना करके, तो फिर हमारा कुछ कम्बिनेशन बनेगा। आइए तो बनाते हैं क्या बनता है। तो R3 का काम कर रहे हैं, तो R1 और R2 को ज्यों कहते हैं लिख देंगे 2 3 0 1 2। R3 में काम कर रहे हैं, तो R3 का है 3 माइनस R1 में 3 से गुना कर दीजिए, R1 है ना, तो 3 गुना 1, तो 3 में से 3 जाएगा 0, देखो ये 0 आ गया। फिर R3 अभी है 1, तो 1 माइनस 3 R1 का मान है 2, तो 1 माइनस 6 यानी -5 आ जाएगा, तो यहाँ पर -5 आ गया। फिर इसको 1 माइनस 3 गुना R1 का मान 3 है ना, 3 यानी -1 माइनस 9 यानी -8 हो जाएगा, यहाँ पर -8 हो गया, ठीक है। अब बराबर यहाँ पर इसको भी करेंगे, R1 R2 में तो कुछ करना नहीं है, 0 1 0 1 0 0, तो क्या करेंगे, 0 में से यहाँ पर 0 माइनस 3 इंटू 0 यानी 0 ही होगा। अभी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 है ना, तो 0 माइनस 3 R1 का मान 1 यानी 0 में से -3, ये हो जाएगा -3 और ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, इंटू ए। इतना आ गया। अब देखिए अभी भी हमारा 1001 के रूप में तो आया नहीं। अब हम क्या करते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे ना, अब हम दूसरा पेज लाते हैं, ठीक है, आप लोग को उस पेज पर लेकर चलेंगे, यहाँ पर आ जाइए। चलिए अभी हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ। अब हम क्या करते हैं कि यदि हम, ठीक है, यदि हम R1 में से, ठीक है, यदि हम R1 में से इसको घटाते हैं तो कुछ तो होगा नहीं। तो क्या करते हैं ना कि R1 माइनस इसमें 2 से गुना करके घटाते हैं, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है, कुछ कम्बिनेशन बनेगा। ओके, तो करिए R1 में से R1 माइनस 2 से गुना करके R2 को घटा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा,
हमारा हो जाएगा, ये आर वन है ना, आर वन का ही काम कर रहे हैं, तो आर वन का मान है एक माइनस दो, आर टू, आर टू का मान है जीरो, यानी वन माइनस दो जीरो, क्या हो जाएगा वन। फिर इसको करेंगे दो गुना आर टू का मान है दो, आर टू का मान है वन ना, तो वन, यहाँ माइनस है, दो माइनस दो कितना जाएगा जीरो, ठीक है। फिर इसको करेंगे आर वन का मान है तीन माइनस दो, आर टू का मान है दो, कितना जाएगा तीन माइनस चार ना, तो यह आ जाएगा माइनस, तीन में से माइनस चार जाएगा माइनस एक, ओके। इन दोनों आर टू आर थ्री को तो कुछ करना नहीं है, हम लोग ज्यों का त्यों ही लिख देंगे, जीरो माइनस पाँच माइनस आठ, ठीक है। अब बराबर इसको ये भी काम करेंगे इसमें बिना रन में, तो जीरो जीरो माइनस टू, आर टू का मान है एक, यानी जीरो माइनस टू कितना हो जाएगा माइनस टू, यहाँ पर वन है तो वन माइनस टू, आर वन का मान जीरो, यानी जीरो में से वन में से जीरो जाएगा तो वन ही होगा, यहाँ पर है जीरो माइनस टू, आर वन का मान जीरो, यानी ये जीरो ही होगा, ठीक है। और इसमें तो कुछ काम कर नहीं रहे तो इसको ज्यों कहते हैं लिख लेंगे, वन जीरो 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 माइनस थ्री जीरो इंटू ए, ओके। अब इस पेज को हटा देते हैं ताकि इसका तो काम है नहीं, अब हम लोग को यहाँ पर काम है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अभी भी हमारा यहाँ टारगेट पूरा हुआ नहीं, अब हम क्या करते हैं ना कि यहाँ पर माइनस फाइव माइनस एट बड़ा बड़ा डिजिट है, इसको हम कम करते हैं, ठीक है। तो क्या कर देंगे कम हो जाएगा, तो यदि हम आर थ्री में ऑपरेशन करेंगे, आर थ्री का ऑपरेशन करेंगे कैसे कि आर थ्री में यदि हम, ठीक है, यदि हम आर थ्री में प्लस फाइव आर टू को जोड़ देते हैं, मतलब इस पेज को पहले हटा देते हैं, मतलब कि आर थ्री में यदि आर थ्री जो है इसमें जो आर थ्री में जो आर टू है इसमें फाइव से गुना करके और इनको जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस है ना, तो कुछ कम हो जाएगा, ये हमें थोड़ा पता आइडिया लगा। तो हम क्या करते हैं ना कि सिर्फ आर थ्री में काम कर रहे हैं, तो आर वन और आर टू को ज्यों कहते हैं लिख देंगे, वन जीरो माइनस एक जीरो एक दो, ठीक है। और आर थ्री का काम कर रहे हैं तो आर थ्री हमारा है जीरो, तो जीरो में प्लस फाइव आर टू, आर टू का मान है जीरो, तो ये तो हमारा जीरो ही होगा। अब ये माइनस फाइव है तो माइनस फाइव, अब प्लस फाइव आर टू का मान है वन, तो वन, देखो माइनस फाइव और ये प्लस फाइव, ये क्या हो जाएगा जीरो। यहाँ पर आ जाइए, आर थ्री का मान है माइनस एट, अब प्लस फाइव आर टू का मान है दो, माइनस आठ अब पाँच दोनों का दस, कितना आ जाएगा दो, ये आ गया दो, इतना आ गया, ठीक है। अब इसमें बराबर इसमें आर वन आर टू में कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि ज्यों कहते हुए लिखना है, दो एक जीरो एक जीरो जीरो। अब इसमें करेंगे जीरो है ना, तो यहाँ पर रफ में कर लेते हैं, आप लोग यहाँ पर मत करना, आप लोग हम तो दिखाने के लिए कर रहे हैं ना, जब आपको एग्जाम में आएगा ना तो आप लोग रफ में करिएगा, ऐसे तो मतलब आप लोग प्रैक्टिस हो जाएगा, बनाने आ जाएगा अच्छी तरह से, तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ता है, डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर सोच सोच करके मन में ही कैलकुलेशन करके लिख दोगे, ठीक है। तो हो जाता है, अभी स्टार्टिंग है इसलिए हम लोग ऐसा करा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं आप लोग एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन के साथ मत करना, तो एग्जामिनर काट देगा, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पर, इसको कर रहे हैं ना, ये आर थ्री जीरो है, अब प्लस फाइव आर टू का मान वन है, कितना हो जाएगा जीरो प्लस फाइव, यानी फाइव हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लो फाइव। फिर इसको माइनस थ्री प्लस फाइव आर टू का मान है जीरो, यानी माइनस थ्री ही आएगा, ये जीरो है, अब प्लस फाइव आर टू का मान जीरो, यानी ये भी जीरो आएगा, ठीक है। अब चलिए इतना आ गया, अभी भी हमारा वन जीरो जीरो वन के रूप में तो आया नहीं, अब हम क्या करें, अब देखिए हम क्या करते हैं कि यदि हम ये आर थ्री में यहाँ पर वन जीरो जीरो वन लाना है, तो वन लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें यदि दो से भाग दे देंगे ना आर थ्री में, तो यहाँ पर एक आ जाएगा, तो हम क्या करते हैं ना कि आर थ्री में क्या करते हैं, दो से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा, आर वन आर टू ज्यों कहते हैं लिख दीजिए, जीरो माइनस वन जीरो एक दो जीरो जीरो, क्योंकि जीरो में दो से भाग देंगे जीरो होगा, जीरो में दो से भाग देंगे जीरो होगा, दो में दो से भाग देंगे एक हो जाएगा, इतना आ गया। बराबर आर वन आर टू ज्यों कहते हैं लिख दीजिए, जीरो एक है ना, एक जीरो जीरो पाँच बटा दो हो जाएगा, तो माइनस तीन बटा
दो हो जाएगा और ये जीरो बटा जीरो बटा दो जीरो होगा, इतना आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि 100 यहाँ पर जीरो लाना है, तो अब क्या करें, तो क्या करते हैं कि आर वन और आर टू को जोड़ देते हैं। ठीक है, आर वन में क्या करते हैं कि आर वन प्लस आर टू जोड़े कि आर थ्री जोड़ दें, आर थ्री जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा क्योंकि प्लस है और माइनस है तो जीरो हो जाएगा, आर थ्री को कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, आर वन में इसको जोड़ रहे हैं तो वन और जीरो वन ही होगा, जीरो 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 ही होगा, ये आर वन है और ये आर थ्री है, दोनों को जोड़ना है प्लस माइनस जीरो हो जाएगा। और इसको ज्यों का त्यों लिख लो, आर टू में तो कुछ कर नहीं रहे हैं ना, आर थ्री में कुछ कर रहे हैं बराबर। यहाँ पर आ जाइए, माइनस दो बटा माइनस दो, क्योंकि आर वन आर थ्री जोड़ना है तो माइनस दो, अब प्लस पाँच बटा दो को जोड़ना है, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक दो दो कैल्शियम, दो एक कैल्शियम दो, भाग देंगे दो बार में दो से माइनस दो से माइनस चार, अब प्लस भाग देंगे एक बार में एक से पाँच से पाँच, यानी एक बटा दो आ गया। ठीक है, फिर इसको और इसको जोड़ेंगे तो एक माइनस तीन बटा दो, कुछ नहीं तो एक दो और एक कैल्शियम दो, भाग देंगे दो बार में दो से और एक से दो, माइनस इसको भाग देंगे एक बार में एक से और तीन से तीन, माइनस एक बटा दो आ गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना, यहाँ पर कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना, देखो मेरा मिस्टेक कहीं हो रहा है यार, कहीं एक जगह मिस्टेक हुआ है, कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तीनों जीरो नहीं आना चाहिए, कभी भी ऐसा हम आज तक से सॉल्व नहीं कराए हैं कि कहीं की लगातार तीनों जीरो हो जाए, ऐसा कोई प्रश्न आता नहीं है, ये भी पकड़ने का तरीका है। तो देखिए ना, यहाँ पर कौन सा था पेज, उस पेज को लाते हैं, ये था ना, ये वाला था पेज, यही वाला था। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हम लोग थोड़ा मिस्टेक कर दिए शायद, चेक कर लेते हैं। देखिए यहीं से स्टार्ट हुआ है कि जो हमारा आर थ्री था, आर थ्री का मान वन है, अब माइनस थ्री और आर वन का मान जीरो है, यानी वन माइनस जीरो वन ही होगा, यहाँ पर ही मिस्टेक करते हुए चल दिए हैं। ठीक है, यहाँ वन होगा शायद, आप लोग भी सुधार लो। ठीक है, हर जगह यहाँ पर वन ही होगा क्योंकि चेंजिंग हुआ नहीं है, वन ही होगा, वन ही होगा। ठीक है, अब चलिए, अब हम क्या करेंगे, होता है कभी कभी मिस्टेक। ठीक है, हाँ एक बात और कि लगातार जीरो जीरो कभी नहीं होता है कलन में। ठीक है, चलिए वन बाई टू माइनस वन बाई टू हो गया, और आर वन का मान जीरो और आर थ्री का मान वन, ते भी वन हो गया। ठीक है, बात समझ में आया, बात समझ में आया ना। अच्छा एक बात और, यहाँ पर जब वन था इसमें आर थ्री में दो से भाग दे रहे थे तो यहाँ पर टू होगा। ठीक है, सब में दो से भाग देते थे, इसमें भी दो होगा, और जीरो में और वन बाई टू जोड़ेंगे तो यहाँ भी वन बाई टू हो जाएगा, और आर टू आर थ्री जो का थे वन जीरो जीरो, पाँच बटा दो, तीन बटा दो और एक बटा दो, ये जो कहते हैं। ठीक है, अब देखो अभी भी हमारा वन जीरो 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 वन जीरो, ये जीरो लाना है, इसका टारगेट है भाई कि ये जीरो लाना जाए, अब इसका टारगेट है कि जीरो लाया जाए। ठीक है, तो क्या कर देंगे, इसको हम आर टू में, ठीक है आर टू में क्या कर देते हैं ना, माइनस टू आर वन को घटा देते हैं, टू आर वन घटा देते आर थ्री का, आर थ्री को घटा देते हैं आर थ्री को, तभी ना जीरो हो पाएगा। चलिए करिए, तो आर वन में तो कुछ कर नहीं रहे, जो का अत्यम लिख देंगे, आर टू में आर टू क्या है जीरो, तो जीरो माइनस दो, आर थ्री, आर थ्री का मान जीरो, यानी जीरो माइनस जीरो ये जीरो हो गया, यह है हमारा वन, तो वन माइनस टू, आर थ्री का मान जीरो, तो जीरो, तो वन माइनस जीरो वन ही होगा। अब ये देखो आर टू का मान है टू, तो टू माइनस टू इंटू आर थ्री का मान है एक, दो माइनस दो कितना जाएगा जीरो, और आर थ्री में कुछ कर नहीं रहे तो जीरो जीरो एक, इतना हो गया बराबर। अब इसको करो, आर वन तो ज्यों का त्यों ही लिख देंगे, माइनस वन बाई टू वन बाई टू, अब वन में इसको घटा देंगे क्योंकि आर टू में से आर थ्री को घटा रहे हैं, तो वन माइनस टू आर थ्री का मान है पाँच बटा दो, तो वन माइनस पाँच दो 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 कटा दो पाँच, कितना जाएगा, यह आ जाएगा माइनस चार आ जाएगा, यहाँ पर लिख लो माइनस चार, और यहाँ पर जीरो, तो यहाँ पर कर लेते हैं जीरो माइनस दो माइनस तीन बटा दो कटा देंगे, ये माइनस माइनस प्लस तीन आ जाएगा, और यहाँ भी जीरो, जीरो माइनस कितना आ जाएगा जीरो माइनस टू, और ये दोनों माइनस एक आ जाएगा। ठीक है, और आर थ्री जो कहते हैं पाँच बटा दो, तीन बटा माइनस तीन बटा दो, एक बटा दो,
1/2 हो जाएगा, ऐसे लिख लो, ठीक है, इतना आ गया। देखो और साथ में ए छोड़ते आ रहे हम लोग, ए लिखते हुए आओ, ऐसे छोड़ोगे तो कैसे होगा, ए सॉरी मेरा मिस्टेक था, आप लोग का नहीं है, मेरा मिस्टेक है ए, ठीक है। टारगेट क्या था, 1001001001, मतलब इसके रूप में ला दिए, जैसा कि हम लोग टारगेट था इस क्वेश्चन में आपको बताया था ना यहाँ पर, कि इसको इसके फॉर्म में ला देना है। देखो हम लोग इसको इसके जैसा ला दिए कि नहीं, ला दिए, ला दिए, तो हमारा मिशन पूरा हो गया, टारगेट पूरा हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा ए इनवर्स का जो वैल्यू होगा क्या होता है, ए वाला होता है, 1/2 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 4, 3 माइनस 1, 5/2 माइनस 3/2, 1/2 आंसर। और हमारे हमेशा 5 मार्क्स के 7 मार्क्स के आते हैं ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, तो ध्यान दो। ओके समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या बढ़ेंगे, आगे लाते हैं आपका बुक, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट कर लिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। देखिए 25 है, यदि P बराबर इतना है तो P इनवर्स ज्ञात कीजिए यदि इसका अस्तित्व है। कहने का मतलब वही है, P इनवर्स कहने का मतलब क्या, देखो यहाँ पर समझो इस क्वेश्चन को, कि P इजकल टू दे दिया 10 माइनस 2 माइनस 5 1, ठीक है। तो पहले देता था A, आपसे बताते रहते हैं कि A P B ऐसा लिखते हुए रहता है, A लिखा रहता है तो यहाँ पर ए का वैल्यू, तो यहाँ पर ए इनवर्स पूछता, पी दिया है तो पी इनवर्स पूछेगा। इनवर्स मतलब क्या, वहीं जो आप ए इनवर्स बार बार निकाल रहे हो वहीं पर अब पी कर दिया है आपको भुलवाने के लिए, ताकि हमारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज रहें, उनका माइंड विकसित करें। तो ए या पी या बी या सी लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको काम वही करना है, बस नाम चेंज कर किया है, ठीक है। तो चलिए वही काम करना है आपको भी, यहाँ पर ऑपरेशन ही करना है, लेकिन हम ऑपरेशन करने से पहले चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं पहले इसका सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या करते हैं, सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं। तो निकाल ए या नहीं, नहीं पी है ना, अब यहाँ पी लिखेंगे हम लोग, ए लिखते लिखते आदत हो गया है ना, पी दिया तो पी लिखेंगे, इसका डिटर्मिनेंट्स निकालिए, माइनस 5 1 क्या हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना करते हैं, 1 से 10 ले 10 हो गया, माइनस माइनस 5 से माइनस 2 से करेंगे, माइनस माइनस प्लस यानी 10 हो गया, यानी 10 माइनस 10 क्या आ गया, 0। आपसे क्या बोले थे कि हमारा ए इनवर्स या यहाँ पी है तो पी इनवर्स कब संभव है, जब ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर देखो तो ए का वैल्यू यानी पी है ना, पी इजकल टू लिखो, वहाँ ए लिखते हैं यहाँ पी लिखेंगे, पी दिया है तो यहाँ देखो पी का वैल्यू 0 आ गया, तो हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, तो क्या लिखेंगे कि पी इनवर्स संभव नहीं है। देखो हमारा काम तो बच गया, हम लोग बड़ा काम करने से ऑपरेशन करने से बच गए, क्यों, क्योंकि 0 के रूप में आ गया, तो 0 के रूप में जब होगा उसका संभव नहीं है, और जब नहीं होता तो हम लोग उसी प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, जिस तरह से सॉल्व किए हैं ना, ये सब सॉल्व किए हैं उसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ओके तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और देखिए अब हम इस वीडियो में, अब इस वीडियो तो खत्म ही होने वाला है, वीडियो में क्या, अब कुछ नहीं, क्योंकि 25 तक था उदाहरण, हम लोग उदाहरण सब कंप्लीट कर लिए, अब हम अगले वीडियो मिलेंगे जो कि आप लोग को प्रश्नावली 3.4 को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रश्नावली 3.4 का पूरा वीडियो वही स्टूडेंट देख सकते हैं जो मेंबरशिप में जुड़े हैं, यदि आप मेंबरशिप में नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हो, ठीक है, स्क्रीन पर नंबर आता होगा उस पर कॉल या मैसेज करके आप जुड़ सकते हैं। आप लोग को मेंबरशिप में जुड़ने के लिए 500 रुपये लगता है, ठीक है, और 500 रुपये में पूरा आप लोग को कोर्स कराया जाएगा। कोर्स कराने का मतलब कि थ्योरी दिया जाएगा, कंसेप्ट, फार्मूला, एग्जाम्पल का सोल्यूशन, एक्सरसाइज का सोल्यूशन, और एयरफोर्स एनडीए नेवी में जो क्वेश्चन किया जाता है वो सब प्रैक्टिस भी क्वेश्चन, और जबकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन करता है उस तरह का भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे सिर्फ मात्र 500 रुपये में, ठीक है, सारा चीज़ आप लोग को मिलेगा। और साथ में इवनिंग में यानी रात में आप लोग को डाउट क्लास मिलता है, जहाँ भी आप कहीं फंसते हो, मान लो किस स्टेप में आप फंस गए, तो इसके लिए आप कॉल करके, हम आपको वीडियो कॉल करके या कॉल के माध्यम से आप लोग को 100% समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग का कोई भी कंसेप्ट में डाउट ना रहे, जो कि ये जो काम करते हैं ना आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, मैं पूरा इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी जो आपका मन है, जो जुड़ना है तो जुड़िए, नहीं तो कोई बात नहीं है। ओके तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि पर्सनली 3.4 को आप अच्छे से समझेंगे, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन कर लिए ना तो कुछ हम लोग को समझ में अब आएगा। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको 50%,
दो करेंगे, दूसरा नंबर 60, तीसरा 80, चौथा 90, पांचवा करते करते 100% आप लोग हो जाएंगे और उसके बाद आप लोग खुद भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें टोटल की संख्या कितनी है, 18। और चलिए थोड़ा सा लॉन्ग होगा वीडियो, थोड़ा लॉन्ग होगा इसका, लेकिन इजी तरीका से सीखेंगे। देख क्योंकि हमारे 98% बच्चे छोड़ देते हैं चैप्टर, और हम लोग को छोड़ना नहीं, हम लोग को सीखना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।